I felt for you. And my regret for losing the one who loved me for who. So I'm Kashif, your tech mate, और आज आपके लिए लेकर आए हैं यही Patreon की तरफ से आने वाली Patreon Boom 3 जो कि है एक dual driver earphones और आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि dual driver earphones एक single driver earphones से कितने अलग होते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको dual driver earphones में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो जो ये Patreon की dual driver earphones है मुझे नहीं लगता उतनी बढ़िया होने वाली है क्योंकि सिर्फ 600 रुपीज़ में आती है, नई नई ब्रांड है। तो जल्दी से ऐसे देख लेते कैसे ओपन करते हैं इसके बॉक्स को, निकालते हैं इस ब्लैक कलर की ट्रे को जिसके अंदर रखा मिल जाता है यही एक केस जिसके ऊपर लिखा हुआ पीटोन से रखते हैं। साइड में आते हैं इस कार्ड की तरफ, तो कार्ड में लिखा हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू दें 5 स्टार जो भी है बकवास फालतू, इसे करते हैं साइड में, आते हैं डायरेक्ट इसी केस की तरफ, इसे ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या अपन को मिल जाता है। तो अंदर यही रखी गई हैं ईयरफोन, इसे रखते हैं अभी साइड में और ये मिल जाते हैं अपन को थोड़ा और एक्स्ट्रा एयर टिप्स से, दो प्यारे ऐसे भी रख लेते हैं साइड में। और हाँ, आपको बता दूँ कि अपने साइज़ के एयर टिप्स आप लगा लेना, मैंने सबसे बड़े वाले लगा लिए क्योंकि जब तक आप एकदम सही फिटिंग के एयर टिप्स नहीं लगा लेते तब तक आपको साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया वाली समझ में नहीं आएगी। तो आते हैं डायरेक्ट अपन अपनी ईयरफोन्स की तरफ, तो ईयरफोन्स थोड़ी सी उलझी हुई हैं इससे अपन को समझ में आ रही है, टेंगल फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे जल्दी से कर लेता हूँ मैं सही। और हाँ, आपको इसमें दो अलग अलग ड्राइवर मिलेंगे, डुअल ड्राइवर का मतलब यही है। और जो दोनों ड्राइवर हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक ऊपर की तरफ अलग ड्राइवर आपको समझ में आ रहा होगा और नीचे की तरफ भी एक अलग ड्राइवर आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों ही ड्राइवर अलग अलग तरह की साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो एक ड्राइवर है वो हाइज और मिड संभालता है, दूसरा ड्राइवर लोज संभालता है। तो जब लोज आते हैं वो एक ऐसा लगता है जैसे एक अलग जगह से निकल कर आ रहे हो, जो मिड्स और हाइज हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो और दूसरी जगह से निकल के आ रहे हो, हालांकि साउंड आउटपुट की जगह तो एक ही है लेकिन ड्राइवर तो दो अलग अलग जगह पर सिचुएटेड हैं तो अलग ही समझ में आता है। और जो डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स है उसमें आपको काफ़ी रियलिस्टिक साउंड समझ में आ जाता है, जैसे अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स के थ्रू तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आपके सामने ही है वो चीज़ और उससे आपको साउंड आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर सिंगल ड्राइवर होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ईयरफोन्स के थ्रू साउंड आउटपुट आ रहा है। सो कुछ ऐसा ही डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है दोनों ही ईयरफोन्स में। जो ये Patreon के डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स है उतने ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी हाँ डुअल ड्राइवर हैं तो हल्का का आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें अपन बेस की बात करें तो बेस उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है इन ईयरफोन्स में लेकिन ठीक ठाक सा है ऐसा। फिर भी अगर आप एक बेस लवर्स हैं तो बिल्कुल भी इसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे इन ईयरफोन्स से क्योंकि ये टोटली एकदम रियलिस्टिक साउंड देने के लिए होता है, ऐसा कोई आपको बेस या फिर पंची नहीं देने वाला है साउंड आउटपुट। तो आप अगर एकदम बढ़िया रियलिस्टिक साउंड यूज़ करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं तो आप इन ईयरफोन्स को रिकमेंड करें। और जो इसकी टिप्स है वो ज़रूर आप एकदम सही तरीके से लगा लें। और इसमें आपको एक अलग से ये बटन मिल जाता है जिसमें आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन के थ्रू भी, और जिसमें ये स्लाइडर दिया गया है, इसमें छोटी सी स्पेस बस है इसलिए आप थोड़े से इसको स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करने पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम को हैंडल कर सकते हैं। और अगर अपन आगे बढ़ें तो इसके जो वायर्स हैं वो एकदम ठीक ठाक से हैं और जो इसमें ऊपर से अलग से कवरिंग भी मिल जाती है, तो मतलब जो वायर की क्वालिटी है वो तो काफ़ी डिसेंट है लेकिन जो ईयरफोन्स हैं वो पूरे के पूरे प्लास्टिक के बने हुए हैं और प्लास्टिक भी इतनी बढ़िया यूज़ नहीं करी है, एकदम चीप क्वालिटी के लग रही है, जल्द ही ख़राब होने के चांसेस हैं। तो जैसा कि आपको बताया साउंड आउटपुट भी उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है डुअल ड्राइवर वाला, लेकिन हाँ आप अगर एम्पलीफायर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से इसकी सेटिंग मिला सकते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ईयरफोन्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर ली थी और मुझे काफ़ी बढ़िया फिर लास्ट में साउंड आउटपुट लगा। और जो इसका जैकेट में आपको गोल्ड प्लेटिंग तो समझ में आ रही है लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो पता नहीं कब तक चलेगी, पूरा का पूरा जो जैक है उतनी बढ़िया क्वालिटी से बना भी नहीं है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके की ये ईयरफोन्स है, ओवरऑल एवरेज ही मैं कहूँगा। तो अगर आपको खरीदनी है ईयरफोन्स तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी भी आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, ईयरफोन्स से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत से मिल जाएगा हमारा एक रिप्लाई उसी क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेकमेट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।